हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। वो जो ग्रुप मैंने टेलीग्राम पे बनाया हुआ था, वो अब दूसरा ग्रुप मैंने बना दिया है। उस ग्रुप को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है, उसको डिलीट भी कर दिया है मैंने, क्योंकि उसमें किसी ने जो है कोई कॉपीराइटेड कंटेंट, किसी बुक पब्लिकेशन का बुक जो है उसमें बहुत पहले किसी ने भेजा था, तो मैंने उस ग्रुप को ही हटा दिया। और जो लोग नए वाले ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। द स्टूडेंट ऑफिशियल नाम से वो ग्रुप है, और अभी थोड़ा ये प्राइवेट रहेगा। इसमें बहुत से मतलब चीज़ों की छूट नहीं रहेगी, लिंक भेजना या फिर ये सब चीज़ें, और इस पर थोड़ा सा प्राइवेसी रहेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसा कंटेंट ना भेजें उसमें कि जो आपत्तिजनक हो या फिर कोई कॉपीराइट से रिलेटेड चीज़ हो। एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप आपस में शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। किसी को कोई भी चीज़ कंटेंट चाहिए होगा एक दूसरे को, तो उसमें मांग सकता है। बाकी आप उसको पर्सनली आप चाहें तो भेज सकते हैं। आपके पास कोई ऐसा कंटेंट हो, कोई भी चीज़ हो जो भी जो ग्रुप में शेयर करने लायक ना हो। और पहले मैं ग्रुप में बहुत ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देता था, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए भी थे और अपना जो भी सवाल था उसमें पूछते थे, और जिनको जो पता रहता था वो आपस में शेयर कर लेते थे इन्फॉर्मेशन। लेकिन अभी क्या है कि नए वाले ग्रुप में जो है मैं देखता रहूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कोई लोग लिंक ज़्यादा इधर उधर के भेजते रहते हैं, या फिर किसी टेस्ट सीरीज का प्रमोशन करते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो प्रमोशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है उस ग्रुप में। जो जेन्युइन है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है ग्रुप की, वही लोग जो है ज्वाइन करें। और उस बुक में मैं किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि कोई किसी पब्लिकेशन का कोई बुक हो, या फिर मैं कहूँ ये खरीदिए या फिर ये चीज़ ज्वाइन करिए। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने किया है, जो जो चीज़ मैंने जिस जिस चीज़ से मैंने पढ़ाई की है, वो चीज़ मैं आपको उसमें बताता रहूँगा। और वो चीज़ आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। कोई आपको मतलब कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप वही खरीदिए तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी सुविधा के अनुसार है। कई लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, कई लोग हिंदी मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है उस ग्रुप में जुड़ जाइए। और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और सिर्फ लिंक के थ्रू ही उससे जुड़ा जा सकता है, क्योंकि अभी वो सर्च में नहीं आएगा, मैंने उसे ओपन अभी नहीं किया है। लिंक से ही आपको जुड़ना पड़ेगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप वहाँ से जो है जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी मैंने जो है हाल में एक गार्ड वन का वीडियो डाला है, तो आप लोग प्लीज़ जो है जो वीडियो मैं बनाता हूँ थोड़ा सा उसको मेहनत करके बनाता, तो आप प्लीज़ आप लोग उसको शेयर करिए और अधिक से अधिक तक लोगों तक वो पहुँचे। उसमें मैंने बहुत चीज़ें बताई हुई हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो लंबा है और इन्फॉर्मेटिव भी है, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा वो वीडियो, क्योंकि ब्रेकवान से यात्रा करना वो काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत लोग उस ब्रेकवान में बैठना भी चाहते हैं, क्योंकि वो दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है। जब ट्रेन गुजरती है तो ब्रेकवान में जो भी लोग बैठे रहते हैं, आप इमेजिन करते होंगे कि कितना अच्छा माहौल रहता है वहाँ पे। जब भी जैसे मान लीजिए किसी का हिली स्टेशन पे अगर ड्यूटी लगती है, तो उस समय ब्रेकवान में जर्नी काफ़ी इंजॉयमेंट होती है उसमें, और काफ़ी इंजॉयफुल होता है वहाँ पर। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और वो ग्रुप मैंने बना दिया है। बना तो मैंने 2 दिन पहले दिया था, लेकिन सोचा था मैं एक वीडियो के थ्रू जो है आपको ये बात शेयर करूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो इश्यू चल रहा था वो रिजॉल्व नहीं हो पाया था, लेकिन फ़िलहाल अभी वो रिजॉल्व हो गया है। और उसमें आप जुड़ जाइए अधिक से अधिक लोग। और जो लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, देखिए बहुत से लोग हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं और उनका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। कारण ये भी हो सकता है कि इतने सारे मैसेज आते हैं तो मैं पढ़ता सबका हूँ मैसेज, और बारी बारी से ही जो भी क्वेरी होगा उससे रिलेटेड वीडियो आ पाएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो वो धीरे धीरे वीडियो बनता रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम इतना जल्दी अभी होने वाला नहीं है। और आप जो भी बुक है वो बुक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ बुक वाला वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। क्योंकि बुक से रिलेटेड भी क्वेरी बहुत ज़्यादा आती रहती है कि कौन से बुक पढ़ाएं, कौन से बुक जीके के लिए चाहिए, मैथ्स के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ये सब चीज़ें जो है मैंने बताया हुआ है। तो आप उसको ज़रूर देखिए वीडियो को। और जो क्वालिफिकेशन वाला वीडियो है कि एलिजिबिलिटी क्या है LP के लिए या फिर गार्ड के लिए, ये सब भी जो है वीडियो एलिजिबिलिटी में मैंने बनाया हुआ है, वो भी आप देखिए। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि पहले बहुत पहले से लोग नहीं जुड़े हुए हैं, अभी जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं
उनको वो वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो वो लोग प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम पे भी जो है द स्टूडेंट को फॉलो कर सकते हैं, आईडी है @thestudent.study। तो थैंक यू दोस्तों, और ऑल द बेस्ट, और पढ़ाई आप लोग करते रहिए। समय आपके पास बहुत ज़्यादा है अभी, कम समय नहीं बचा है, बहुत ज़्यादा अभी समय है, वैकेंसी आने में बहुत टाइम लगेगा।